सो दोस्तों आज हम जानेंगे प्राइमोलुट एंड टैबलेट के बारे में कि भाई ये कैसे काम करता है, किन बीमारियों में दिया जाता है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अधिकतर महिलाओं के कमेंट आते हैं कि भाई ऐसी दवा बताओ कि भाई जिससे हमारे पीरियड्स डिले हो जाए, उनको पूजा पाठ करना है, 4-5 दिन का हमें पीरियड का डिले चाहिए, उस दिन हमको पीरियड नहीं चाहिए, तो उसके लिए टैबलेट जानी जाती है। तो बेसिकली तो इसको जो है ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं कि भाई ये पीरियड को डिले करने वाली दवा है। तो समझते ये है क्या, तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राइमोलुट एन जो टैबलेट है ये ब्रांड नेम है जो कि जेडस कैडर कंपनी इसको बनाती है। 48-50 रुपये में आपको 10 गोली मिल जाती है मार्केट में। सो जो प्राइमोलुट एन है इसके अंदर बेसिकली नॉर्थेस्टेरोन है, नॉर्थेस्टेरोन 5 मिलीग्राम। अब ये नॉर्थेस्टेरोन क्या है दोस्तों, ये नॉर्थेस्टेरोन जो है ह्यूमन मेड, मैन मेड या बोल दीजिए सिंथेटिकली लैब में बनाया गया एक फीमेल हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है, या ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोजेस्टेरोन को रिप्लेस करता है। नहीं आया समझ में, या समझो कि भाई महिला जो है उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन नेचुरली बनता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर अलग से एक हार्मोन देता है जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरह वर्क करता है, उसके जैसे वर्क करने की पूरी कोशिश करता है। तो ये नॉर्थेस्टेरोन वही है। अब जानते हैं कि इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड्स की भाई आपको अगर मार्केट में नहीं मिलता है प्राइमोलुट एन, तो आप रेजिस्ट्रॉन ले सकते हैं, टोरेंट कंपनी का आता है, और गाइनासेट ले सकते हैं जो कि मैनकाइंड का आता है, और सिस्रॉन ये सिस्टोपिक कंपनी का आता है। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करते हैं, चाहो तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी यूजेस। वैसे तो इसको पीरियड्स को डिले करने वाली टैबलेट बोला जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। तो पहला यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे यूजर्स की बात की जाए इरेगुलर पीरियड्स को मेंटेन करने में, कि भाई कई महिलाओं के ऊपर नीचे होते रहते हैं पीरियड्स, उनको कभी आया कभी नहीं आया, कभी ज़्यादा आ गया, इस सब को कंट्रोल करता है ये। और बात करें पेनफुल ब्लीडिंग होती, कई बार महिलाओं को पेन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन बन जाती है पीरियड्स में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उन महिलाओं को भी दिया जाता है। POCD पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, उसमें भी इसको दिया था। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और लंबे समय तक चलती है, 3-3, 4-4 महीने तक चलती है, ठीक है। और एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि भाई मेट्रियोसिस मैंने बताया ऑलरेडी, इस पर वीडियो बनाया है, यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें इन्फेक्शन कारण वो लाइनिंग्स बाहर आने लगती हैं, हल्का हल्का उनमें उभार होने लगता है, और वो ब्लीडिंग्स और पेन ज़्यादा होता है कमर के एरिया में। तो आप इतना समझ लो कि भैया कि ये एंडोमेट्रियोसिस में भी दिया जाता है, इसमें भी बहुत लंबा इसका कोर्स चलता है। तो यहाँ पे डिले पीरियड्स, पीरियड्स को डिले करने के लिए भी डॉक्टर लिख देता है। सो अब हम जानेंगे कि भाई ये बेसिकली प्राइमोलुट एन है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ये ह्यूमन मेड हार्मोन है, महिला का हार्मोन है। तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि इसका मोड ऑफ एक्शन समझें कि भाई ये जो कोई महिला नॉर्थेस्टेरोन 5 mg टैबलेट खाएगी, तो उसकी बॉडी में जाके ये जो है गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं उनको रोक देती है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं महिला की बॉडी में, ये जब ड्रग दिया जाएगा तो उन हार्मोन्स को जाकर रोकती है। और ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं ये जो है हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन का हार्मोन का काम ये होता है भाई ये ओवुलेशन को कराता है। ओवुलेशन इन द सेंस कि ओवम बनता है, हर महीने जो पीरियड्स आता है उस प्रक्रिया को ये कराता है ओवुलेशन। तो जो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब रुक जाएगा तो ओवुलेशन भी रुक जाएगा। ओवुलेशन रुक जाएगा तो जो महिला का जो साइकिल चल रहा था ओवुलेशन का, वो जब स्टॉप होगा, इंटरप्ट होगा, तो उसको पीरियड्स डिले हो जाएगा, पीरियड्स डिले हो जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा। फिर जैसे दवा खाना बंद करती महिला, फिर कुछ दिन बाद शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कितना देना है, कितना कंट्रोल करना है, कब ओवुलेशन कराना है, तो ये उस काम में आता है। सो यहाँ पे अब बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि भाई ठीक है ये सब जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी तो कुछ होते होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन मेड हार्मोन है दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, डिजीनेस, महिलाओं को चक्कर आने लगते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, उनको फैट गेन कर लेती महिलाएं, और जो है भूख बढ़ जाती है। ये कुछ एडवांटेज नहीं है बट ये साइड इफ़ेक्ट ही है। तो वॉमिटिंग भी हो जाती है, नोज़िया वॉमिटिंग, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और बेजाइनल में जो है स्पोटिंग हो जाती है, बेजाइना मतलब कि उसकी जो बेजाइना होती है वहाँ से स्पोटिंग हो जाती है, कई बार ब्लड आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, बट ये बहुत रेयर होते हैं, बट डेंजरस साइड इफ़ेक्ट। तो अब जानेंगे दोस्तों इसका डोज के बारे में, कि भाई डोज़ क्या है। हर कंडीशन में डोज अलग अलग होता है, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल यूजेस हैं इसके, हर तरह की समस्या में डॉक्टर लिखता है, हर तरह तरह की कंडीशंस में। तो उन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है डोज कितना देना। सपोज किसी महिला को पीरियड डिले करना है, मतलब कि उसको जो है कल पूजा है तो वो कल नहीं लेगी,
सपोज उसको पूजा पाठ के 3 दिन पहले इसको लेना है, सपोज 3 तारीख को पूजा है तो वो 1 तारीख को ले ले, सो 3 दिन पहले लेना शुरू करना पड़ता महिला को। पीरियड्स को डिले करने के लिए दिन में तीन बार लेना है एक एक गोली, एक गोली 5 मिलीग्राम की होती है तो 3 गोली एक दिन में लेगी महिला, कितना 15 मिलीग्राम, एक दिन में 15 मिलीग्राम बॉडी में पहुंचेगा तो ये काम करना शुरू करेगा, काय के लिए, पीरियड्स को डिले करने के लिए। अगर किसी महिला का इरेगुलर पीरियड है तो दिन में 2 बार चलता है, ठीक है, दिन में 2 बार चलता है 7-8 दिन के लिए, तो ये पीरियड्स को रेगुलर कर देता है। और अगर किसी को मेट्रियोसिस है महिला को, तो उसको 3 महीने तक चल सकता है, 6 महीने तक भी चल सकता है, 1 BD चलता है, सुबह शाम एक ही गोली 6-6 महीने तक चल सकती है। एंडोमेट्रियोसिस बड़ी कंडीशन होती है, उसमें ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, कई बार क्या होता है कि महिला को पीरियड्स के पहले ही दर्द होने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है, तो उस कंडीशन उसको भी कम करने के लिए एक गोली दे सकता है डॉक्टर, 1 OD चला सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये दिया जा सकता है। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि इसका यूज़ वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ पर कई बार ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, ब्लीडिंग इन द सेंस कि भाई आपने महिला को जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खिला दी, अनवांटेड 72 या कुछ भी, तो महिला को क्या एकदम से बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तब उस कंडीशन में दिया जाता है इसको दूसरे कुछ हीमोस्टेटिक एजेंट के साथ, अकेले नहीं हीमोस्टेटिक एजेंट के साथ, जैसे कि टेनाक्जिमिक एसिड, एटामसालाइड वगैरह, ये सब होते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट्स, तो इनके साथ में इसको दिया जाता है, तो ये हार्मोनल वर्क करती है तो ब्लीडिंग को रोकती भी है। सो अगर किसी महिला को पूजा पाठ करना है तो वो 3 दिन पहले इसको ले ले, दिन में 3 गोली, और जब तक उसका पूजा चलेगा 2-3 दिन का, तब तक उसको 3 दिन 3-3 गोली लेना है, और जिस दिन ये बंद करेंगी महिला उसका 4-5 दिन आप पकड़ के चलो, उतने दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से काम करता है। और हाँ एक चीज़ और दोस्तों, अगर कई बार महिला को इसको बंद करने के बाद पीरियड नहीं आता है तो उसमें क्या, उस वक्त ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा, और जाहिर सी बात है हर दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। तो दोस्तों ये तो था प्राइमोलुट एंड टैबलेट कि भाई कैसे खाना है, कैसे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे काम करता है, और पीरियड्स को डिले कैसे करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।